इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, डेटा के ऊपर आके प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर क्लिक करना। अब शुरू में हमारे पास आ रहे सेल्स रैंक, तो हम 90 डेज में सेल्स रैंक देख रहे हैं 1 से लेके 40,000 तक। कितना? 40,000 तक। उसके बाद आए हमारे पास अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि फिर बाय बॉक्स जो रोटेशन कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी के पास नहीं आता जहां पे अमेज़न मौजूद है। तो अमेज़न को हमें क्या करना है? आउट ऑफ स्टॉक करना चाहिए। तो न्यू जो है ये प्राइस होते हैं प्रोडक्ट का, क्या होते हैं? प्राइस होते हैं प्रोडक्ट का। तो करंट हमने कितना रखना होता है? 14 से लेके 40 तक, 14 से लेके 40 तक होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास न्यू थर्ड पार्टी एफबीए होना चाहिए जो कि न्यू हो, हमें वहां से आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हमने तो यहाँ पे अगर आप ये देख तो हमारे पास जो प्राइस है वो कितना होना चाहिए? 14 से लेके 40 तक। जबकि दूसरा जो है हमारे पास थर्ड पार्टी एफबीएम नहीं आना चाहिए, थर्ड पार्टी एफबीएम नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ड्रॉपशिपिंग कर रहा है, ड्रॉपशिपिंग कर रहा है, क्योंकि वो ड्रॉपशिपर्स होते हैं। हम क्या करते हैं, न्यू थर्ड पार्टी एफबीए एफबीएम को आउट ऑफ स्टॉक कर लेते हैं। उसके बाद जो बाय बॉक्स यूज्ड में हमारे पास प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं आना चाहिए जो कि किस चीज में ना हो, किस चीज में हो, यूज में हो, बल्कि नीचे आके जहां पे हमने यूज करने होते हैं वो जो मेन होलसेल के लिए जो मेन क्या है फिल्टर्स है वो हम लगा रहे हैं, बाकी जहां पे जरूरत हो उसको हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे से आकर के यहां से कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं, कौन सा कैटेगरी, कोई भी आप वाइज एट गेम को कर ले। उसके बाद आप सब कैटेगरी को भी क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। नीचे से आकर के आपको मिल जाते हैं न्यू ऑफर अकाउंट, ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ सेलर्स। तो नंबर ऑफ सेलर्स हमें हमारे पास 5 से लेके कितना तक होना चाहिए? 20 या 25 20 तक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास यूज्ड ऑफर अकाउंट आते हैं, यानी आपके पास जो न्यू हो वो तो न्यू ऑफर अकाउंट और करंट। न्यू ऑफर अकाउंट का मतलब ये है कि ऐसे सेलर्स जो कि न्यू हो, ऐसे सेलर्स जो कि न्यू हो, करंट कितना मौजूद होना चाहिए? 5 से लेके 20 तक। ये यूज्ड है, यानी आप चाहते हैं कि मतलब मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट्स आए जिसके ऊपर 5 से लेके 15 तक सेलर्स मौजूद हो, और वो क्या हो? ओल्ड हो। ओल्ड क्या हो? सेलर्स, यानी ये 90 डेज से उसी प्रोडक्ट के ऊपर मौजूद हो या 180 डेज से उसके ऊपर मौजूद हो। तो ऐसे नंबर ऑफ सेलर्स अगर हमने ऐड करना है तो कहां से ऐड करेंगे? यूज ऑफर अकाउंट से ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नीचे से आकर के हमें क्या मिलते हैं, हमारे बाय बॉक्स किस सेलर के पास होना चाहिए? थर्ड पार्टी के पास। इस तरीके का मजीद आकर के हम क्या करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो कि हमारे पास किस चीज में आ जाते हैं, गेटेड में आ जाते हैं, ठीक है, जो कि होल लेने की जरूरत होती है। यहाँ पे आपको मिल जाती है वेरिएशंस, तो हमारे पास वेरिएशंस नहीं होना चाहिए। फिलहाल आप आल रख ले, फिलहाल आप क्या करें, आल रख ले, क्योंकि आप जब वेरिएशन एड करोगे, इसका टिप्स में बता दूंगी किस लिए आप लोगों ने आल रखना होता है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास रेटिंग और रिव्यूज। रेटिंग हमारे पास कितना आना चाहिए? 3.5 से लेके 5 तक, यानी मिनिमम हमारे पास कितना होना चाहिए? 3.5। और रिव्यू काउंट कितना होना चाहिए? आप रख ले यार मिनिमम 25 रख ले, यानी 25 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। फिर 10,000 भी आ सकते हैं, 20,000 भी आ सकते हैं, ज्यादा हम नहीं, यानी कम से कम हमारे पास 2500। अब क्या है, इधर से दो ऑप्शंस आपने उठाना है, अमेज़न ऑफर इज नॉट स्टॉक, क्योंकि अमेज़न को आपने क्या किया हुआ है, आउट ऑफ स्टॉक रखा हुआ है। यहाँ पे भी अमेज़न फ्री ऑर्डर जो कि हमने आउट ऑफ स्टॉक रखा हुआ है। नीचे से आकर के हमें पैकेज क्वांटिटी, आइटम डायमेंशन और पैकेज क्वांटिटी जो है इसकी वेट, तो हमने रखना होते हैं वेट कितना ग्राम, 1000 ग्राम, 1 kg, ये 3000 ग्राम कितने आते हैं? 1 kg, 1 kg, तो 3000 ग्राम जो है 3 kg, मैक्सिमम हमारे पास 3 kg का ही प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास 59 प्रोडक्ट्स शो हो गए, हम क्या करते हैं, पॉइंट प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास उन प्रोडक्ट्स का क्या आ जाते हैं, डेटा आ जाते हैं। अब हमें क्या करना होता है, होलसेल के अंदर हमें सबसे पहले इस डेटा को पॉइंट करने की जरूरत नहीं होता, हमें क्या करना होता है, हमें ब्रांड पॉइंट करना होता है। क्या करना होता है, ब्रांड
कॉन्टैक्ट करना होती है। जब हमारे पास ब्रांड आ जाए, हम उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह ढूंढ के उसके साथ जब कॉन्टैक्ट करते हैं, तब जब उसकी तरफ से हमें क्या मिले, अप्रूवल मिले, फिर हमने क्राइटेरिया मैचिंग करना है। अब अगर हम क्राइटेरिया मैचिंग कर ले, अप्रूवल न मिले, फिर तो काम सही नहीं है। हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत है, ब्रांड से ब्रांड की जरूरत है। तो यहाँ से आप आएंगे कंप्यूटर कॉलम कॉलम के ऊपर, ठीक है। इधर से जितने भी हो, जैसे शो आल है, आप क्या करें, हाइड आल के ऊपर क्लिक करें, तो आपके पास एक तो एसन रह जाएगा, एक टाइटल, और बाकी आपको क्या चाहिए, ब्रांड। तो आप किसके ऊपर क्लिक करोगे, ब्रांड। साथ साथ ब्रांड भी आ गया, एसन नंबर भी आ गया और टाइटल भी आ गया। अब हमारे पास कितनी चीजें आ गए, तीन चीजें, टाइटल आ गया, एसन नंबर और ब्रांड आ गए। नहीं आया समझ, बाकी सारी की सारी चीजें क्या हो गए, हाइड हो गए। अब हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके एक्सेल के अंदर इसको डाउनलोड कर लेते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं, एसएन है, टाइटल है, कौन कौन सी चीजें हैं, टाइटल है, ब्रांड है और एसएन नंबर है। एक्सपोर्ट करके डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड हो गया, इसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास शीट के अंदर ये तीन चीजें आई होंगी। सबसे पहले क्या है, टाइटल है, उसके बाद उसके बाद ब्रांड है। यहाँ से आपके पास ब्रांड्स हंट हो गए, क्या हंट हो गए, इस तरीके का करना होता है, ठीक है। एसएन नंबर ए पीछे से टाइटल्स थे, फिर एसएन नंबर है, फिर ब्रांड्स है। अब ये सब के सब आपके पास क्या है, ब्रांड नेम, ब्रांड्स है। अब हमने क्या करना होता है, यहाँ से कुछ मजीद चीजें ऐड करना है। क्या चीजें हमने ऐड करना है, ब्रांड नेम तो ऑलरेडी मौजूद है, ब्रांड का ईमेल, और दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ साथ हम क्या करते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूटर, उसके होलसेलर, और उसी ब्रांड के साथ कितने प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी हमने फाइंड करना होगा। नहीं आया समझ, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। फिलहाल अगर तीन चीजों की जरूरत है, हम चाहते हैं कि हम ब्रांड, अच्छा एक और चीज भी है, वेबसाइट, और क्या चाहिए, अगर फॉर्म भी हो जो कि वहां पे कुछ कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, हम फॉर्म को क्या करते हैं, फिल करते हैं, ठीक है। अब ईमेल वगैरह ये चीजें हमें पॉइंट हो गए। हमने क्या करना होता है, सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कि इस ब्रांड के साथ कितनी प्रोडक्ट्स हैं। हम क्या करते हैं, इस ब्रांड की नाम को क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप कहां पे आएंगे, उसी डेटा के ऊपर आके प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर आओगे। नीचे से आपको मिल जाते हैं यहाँ पे ब्रांड। हमने क्या करना होता है, पेस्ट करना होता है। पेस्ट करने के बाद हमें खुद शो हो जाते हैं कि इसके पास कितने प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अब ओनी के बजाय हम क्या करते हैं, किसी और ब्रांड को जब कर लेते हैं तो उसके अलग होंगे। ठीक है, ये मैं शुरू करूंगा।
अब क्या है, आपने ब्रांड की ईमेल, ब्रांड की वेबसाइट, ब्रांड की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड की फॉर्म किस तरीके से फाइंड करना है। मैं क्या करता हूँ, इसकी नाम को कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं कहाँ पे आता हूँ, न्यू टैब के अंदर, यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद ये देखे ना, ब्रांड की जो नेम होगा वो उसी नाम से आपके पास मौजूद होगा। अब क्या कर रहे हैं आप, ये देखिए जो आपके एक के बाद ये आ जाए, इसी आ जाए तो क्या यहां पे एक होगा मैं आप तो पीछे को बोले अब क्या है कि आप जब सर्च कर लेते हैं वो खुद ब खुद, सिर्फ एक चीज आपको करना पड़ता है, क्या कि आपने google.com सर्च किए, वहां पे आपके पास सेटिंग आते हैं, वहां से आपने सर्च एड्रेस चेंज करना होता है। सर्च एड्रेस क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो जो भी मार्केट प्लेस होगा उसी के मुताबिक ही हम कर लेते हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट करके ओके कर लेना, तो आपके पास उसी का शो हो जाएगा। वेबसाइट तो इसका ये बना, कॉपी करके हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जबकि उसी की जो ईमेल है, ईमेल आप किस तरीके से फाइंड करोगे, जो कि नीचे आपको बता दिया कि आप उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में जाए, कहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन इसकी, सोशल मीडिया है मेरे ख्याल से, इसमें आपको बता सकते हैं। एक आप लोग वेट करेंगे, खड़े और इसके बाद कस्टम कोड जो फिल्टर का काम है, अब इसके नीचे हम आते हैं, कहाँ से हमें फाइंड करना होता है, किसी का आपको ईमेल मिल जाता है, किसी को आपके फोन नंबर मिल जाते हैं, किसी को सेकंड ये तो ये कांटेक्ट विद अस से अबाउट का ले ये कांटेक्ट अस, जब कांटेक्ट अस के ऊपर हम क्लिक करते हैं यहां से हमें उसकी ईमेल भी फाइंड हो जाती है, यहां से उसकी हमें क्या फाइंड हो जाती है। और कुछ इस तरह की साइट्स हैं, अब देख लेना इन्वर्टर रिलेशन, ये मेन ऑफिशियल प्रोडक्ट कांसेप्ट, कुछ इस तरह की क्या होते हैं ब्रांड होते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटर का लिंक या ईमेल वगैरह भी यहां पे पेस्ट कर लेते हैं, वो मैं एक शो करवा दूंगा आपको, वो भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन फाइंड करके यहां पे क्या करना होते हैं, पेस्ट करना होते हैं। तो ये ब्रांड हंट करने का प्रोसेस हुआ थ्रू कीपा। सबसे पहले हमने ब्रांड किस तरीके से फाइंड करना है, अब हमारे पास कितनी ब्रांड्स आ गए, ठीक है। इन सब ब्रांड्स को हंट करके उसी के रिलेटेड हमने उसकी वेबसाइट, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ये सारी से उसकी डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह किस तरीके से फाइंड करना है। लाइक मैं यहां से एक ब्रांड नेम उठा लेता हूं और ये आपको शायद अगर सीवी की प्रोडक्ट्स की वो आ जाए तो आपको शायद बहुत सी जगहों पे काम आ जाए, और से लीजिए, ठीक है। अब क्या है, इसके नीचे जब हम आते हैं यहां से देख लेना, ये क्या कह रहे हैं, ईमेल को जेनरेट कर सकते हैं।
पार्टनरशिप रिक्वेस्ट, ठीक है, खुद हमें बता रहे कि पार्टनरशिप रिक्वेस्ट आप हमें भेज सकते हैं, और उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मौजूद है, और रिकॉल और कौन से एक्सेप्शन और प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, और नीचे से आपको एक और चीज भी मिल जाती है, मैसेज टू डिस्ट्रीब्यूटर, आप डिस्ट्रीब्यूटर को मैसेज यहाँ से कर सकते हैं, जो कि इन लोगों ने ईमेल्स प्रोवाइड किए हुए हैं, जो कि अपना डिस्ट्रीब्यूटर का डेटा भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, कुछ इस तरह की ब्रांड भी है, तो उनके डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर को फाइंड करके वहाँ पे हमें क्या करना होता है, पेस्ट करना होता है, ताकि जब हमारे पास ब्रांड हंट हो जाए फिर उनसे हमने अप्रूवल लेना होता है, जहाँ पे कॉन्टेक्ट अस की इंफॉर्मेशन में कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह ना हो, फॉर्म हो, तो वहाँ पे आपने क्या करना होता है, फॉर्म को यस लिखना है कि इसके पास फॉर्म था, तो ये शीट आपने बना के ब्रांड हंट करनी है, फिर ब्रांड से अप्रूवल किस तरीके से दिया जाते हैं, और उसके मुताबिक जब हमें मिल जाए उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, यहाँ तक समझ आ गया, ब्रांड हंटिंग थ्रू कीपा समझ आ गया, कि किस तरीके से हमने ब्रांड्स हंट करना है, ब्रांड सर ये के बाद उनकी ईमेल, उनकी कॉन्टेक्ट नंबर, उनके डिस्ट्रीब्यूटर, इनकी होलसेलर, इनकी वेबसाइट और उनकी फॉर्म वगैरह आपको समझ आ गया किस तरीके से फाइंड करना है, तो ये सर ये इलियम 10 से भी हो सकते हैं क्या, ये ब्रांड हां ब्रांड एलिफ्ट से हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एग्जैक्ट ऐसे नहीं कि बा जो उसके अंदर एग्जैक्ट डेटा आपके पास आ जाती है, ब्रांड